गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, मेरा कुछ रोज़ कलेक्शन किया हूँ इस साल शेखरपुर से, तो उसी के बारे में आप लोगों को एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो रोज़ देख रहे हैं, इसका नाम है एजोर सी। ये यूनाइटेड स्टेट का रोज़ है और ये 1983 का हाइब्रिडेशन है। तो ये काफ़ी लार्ज है, इसका जो पेटल होता है वो 28 से 20 35 होता है, और इसका साइज जो होता है इसका 5 इंच के करीब साइज होता है इसका, और ये हाइब्रिड ट्री रोज है। तो आप इसका हाइट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। 5 इंच करीब इसका फ्लावर आता है, और ये फ्रेग्रेंस इसमें है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आता है। और ये जो मेरा प्लान देख रहे हैं, मैं मई महीने में इसको लाया था वो लक्ष्मी नर्सरी शेखरपुर से। तो इसमें देख सकते कुछ जो फ्लावर है झड़ गया है, तो इससे पहले मैं सोचा था जब वीडियो बना ले, लेकिन कुछ टाइम के कमी से मैं बना नहीं पाया, इसीलिए अभी जो है इस प्लांट पे 3 फ्लावर्स है। ये सभी मैच्योर फ्लावर है, देख सकते हैं ये एक फ्लावर है, और इसका फॉलीएज जो है बहुत ही अच्छा फॉलीएज है, बुशी टाइप का प्लांट होता है। आप देख सकते हैं बूसी टाइप का प्लान होता है, और कलर भी बहुत सुंदर होता है। इसका नाम है एजोर सी, यूनाइटेड स्टेट का फ्लावर है। बहुत लार्ज ब्लूम होता है, कलर भी बहुत सुंदर होता है। ये मैंने लक्ष्मी नर्सरी से परचेस किया था, मई महीना में इसको लाया था। हम देख सकते हैं एजोर सी। तो इसको आप लोग अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लावर का लास्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है, ये करीब करीब 5 दिन या 4 डेज स्टे करता है, उसके बाद झड़ जाता है, लेकिन फ्लावर का कलर और साइज ज़बरदस्त है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ और एक रोज़ जो मेरे कलेक्शन में है। मैं इस साल करीब 15 के करीब रोज़ प्लांट ऐड किया हूँ मेरे कलेक्शन में, तो आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों।